हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल राइजन वर्ल्ड के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने लैपटॉप के डेट एंड टाइम के प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसा कि आप यहां पर देख ही रहे होंगे किस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके लैपटॉप में भी शो हो रही है, तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप पूरा एरर देख सकते हैं, टाइम ऑफ डे नॉट सेट, प्लीज रन सेटअप प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम सेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तीन ऑप्शन में जो बायोस सेटअप है, तो यहाँ बायोस सेटअप पे हमें क्लिक कर देना है। तो हम थोड़ी देर वेट कर ले तो हमारा ये बायोस सेटअप खुल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे चौथे ऑप्शन में जो हमें डेटा और टाइम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा डेट एंड टाइम है वो इस समय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो इसे हम सही से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मंथ में मंथ को डाल दिया है, डेट में डेट को डाल दिया है, और यहाँ पे अब जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें टाइम का है। तो टाइम में हमें इसमें 12:34 हो रहा है, तो 12:34 हमने फिल कर दिया है। इसमें हम एएम पीएम का ऑप्शन है, तो इसमें हम पीएम हो रहा है, तो इसमें पीएम सेट कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, नीचे की तरफ अप्लाई का जो भी ऑप्शन है वो इस समय हिडन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, तो इसे हिडन को हमें शो कराना है। तो शो कराने के लिए हम अपने लैपटॉप की किसी भी सेटिंग में चल के देख लेते हैं, जिससे कि हम इस ऑप्शन को शो करा सकें। तो यहाँ पर सेटिंग में हम आ जाते हैं। इस वाले में आने के बाद यहाँ पर जो भी सेटिंग है तो इसे थोड़ा बहुत चेंज करना है और फिर तुरंत से उसी को अप्लाई कर देना है। फिर देख सकते हैं आप नीचे की तरफ अप्लाई वाला जो भी ऑप्शन था हमारा वो शो होने लगा है। तो इसके बाद हम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक एक डायलॉग ऑप्शन ओपन हो जाता है। डायलॉग ऑप्शन में यहाँ जो चेकबॉक्स है इसे हमें फिल कर देना है। तो इसे क्लिक करके यहाँ पे जो भी ओके का ऑप्शन आ रहा है फिर नीचे, तो उसे ओके हम कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब एक एग्जिट का बटन आ रहा है, तो एग्जिट को हम क्लिक कर देते हैं। एग्जिट क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, हमारा लैपटॉप ओपन हो रहा है। तो जैसे ही रिस्टार्ट होके लैपटॉप ओपन होता है, तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारा जो भी टाइम था वो बिल्कुल फाइनल जो था सेट हो चुका है। टाइम यहाँ नीचे देख सकते हैं 12:37 का हमारा टाइम सेट हो चुका। तो यहाँ पे अब इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ, आपका सेटिंग अगर अप्लाई हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बता दीजिए। थैंक यू।